अबे यार क्या कर रहा है बंद करो बंद करो देख लो ना है नहीं तो यहाँ क्या कलेक्टर आज एबीवीपी अजमेर महानगर द्वारा जो अजमेर के जो निजी स्कूल्स हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं मशीनरी स्कूल्स हैं उनके विरोध में आज कलेक्टर महोदय के वाया हम लोगों ने शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में हम लोगों ने शिक्षा मंत्री को अवगत कराया है कि राज्य सरकार द्वारा जिस प्रकार से जो फीस का रेशो रखा गया हुआ है ये लोग स्कूल्स वाले ट्यूशन फीस ले सकते हैं अन्यथा इसके अलावा किसी प्रकार की कोई भी फीस नहीं ले सकते हैं। ये लोग स्पोर्ट्स के नाम पे फीस लेते हैं क्लासरूम्स के नाम पे फीस लेते हैं एनुअल डे के नाम से फीस लेते हैं एनुअल फंक्शन के नाम पे फीस लेते हैं। इस प्रकार से ये कई अलग अलग चार्ज लगा करके जो हमारे शहर के अभिभावक हैं उनको ये लोग लूट रहे हैं और उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। तो इसका विरोध प्रदर्शन आज हम लोगों ने कलेक्टर पर करा है और इसी प्रकार से हमारे पास में आज MPH स्कूल की कुछ एग्ज़ाम्स के एडमिशन्स की रसीदें आई हैं वो हम लोगों ने डिस्पैच करके वहाँ आगे भेजी है शिक्षा मंत्री जी को। तो हमारा ये अगर अभियान चलेगा अजमेर के जितनी भी बड़ी स्कूलें हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं मशीनरी स्कूल्स हैं उनकी सबका हम लोग लिस्टिंग कर रहे हैं लिस्टिंग बना करके उनका सारे स्टूडेंट्स का रेशो निकाल रहे हैं फीस का रेशो निकाल रहे हैं। तो इसके बाद में हमारा एक अभियान चलने वाला है और लगातार हम लोग इस मैटर में प्रदर्शन करते रहेंगे कि शिक्षा का व्यापारीकरण बंद किया जाए क्योंकि जिस विद्यालय में इतनी फीस होने के बाद में भी बच्चों को ट्यूशन की आवश्यकता बढ़ रही है तो वहाँ किस प्रकार की पढ़ाई हो रही है उसके बाद में वहाँ की किताबें जूते हर चीज़ मतलब एक एक दुकान पे फिक्स है कि ये चीज़ इसी दुकान पे मिलेगी इसके अलावा और कहीं नहीं मिलेगी सब जगह इनका कमीशन फिक्स होता है। तो ये व्यापारीकरण बंद हो इसके लिए विद्यार्थी परिषद लगातार इस महानगर में चला रही अभियान उसके बाद में धीरे धीरे पूरे प्रदेश में इसका खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। मेहुल गर्ग प्रदेश से मंत्री एबीवीपी।